अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है मैं अभी ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलें अब इस दफ़ा ग्रॉसरी तो करनी है, तो क्यों ना मैं पंजाब कैश एंड कैरी से करके देखूँ, और फिर जो है मैं आपको सो दैट के फिर जब मैं आपको एडिटिंग करूँगी तो मैं आपको प्राइसेस भी सारी उसकी बताऊँगी चीज़ों की, कि मैंने क्या चीज़ कितने की ली। तो इससे आपको ये एक बेनिफिट होगा कि जिस भी मार्ट से, जहाँ से भी ग्रॉसरी स्टोर से आप शॉपिंग करते हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ जो है वो कितने की लाते हो और पंजाब कैश एंड कैरी पे वो चीज़ कितने की। सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ अपने साथ शॉपिंग पे, और जाते हैं हम पंजाब कैश एंड कैरी, और वहाँ से मैं करती हूँ शॉपिंग, और आप भी साथ मेरे देखें कि मैंने क्या ख़रीदा और कितने का ख़रीदा। तो चले फिर अब चलते हैं शॉपिंग करने। जी तो मैं पहुंच गई हूँ G9 वाले पंजाब कैश एंड कैरी में, और यहाँ पर गाड़ियों का जो मैंने रश देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और जब मैं अंदर एंटर हुई तो अंदर एंटर होते ही जो है ना रश था, लोगों की भरी हुई ट्रॉलीज थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने आते हैं। हो सकता है कि प्राइसेस का डिफरेंस भी हो, शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। जब मैं अपने लिए ये चने, आपने देखा मोटा चना था, मुझे हमेशा ऐसे ही मोटे चने की तलाश होती है, मुझे बारीक चना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। इसके साथ आपने देखा होगा कि मैं जब दालें ले रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियसली उसको देख रही थी, क्योंकि मैं स्पेशली दाल लेते हुए बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि दालें जो है ना वो साफ़ सुथरी हों और अच्छी क्वालिटी की हों, क्योंकि उनको चुनना, उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मैं सारी दालों को लेते हुए तो मैं आई वॉज सेटिस्फाइड कि दालें मुझे साफ़ सुथरी लगी और क्वालिटी वाइज भी सही लगी। तो मैंने ये देखी, अब आप चने देखें, ये भी साफ़ सुथरे से मुझे लग रहे हैं, ये भी मैंने लिया। और इसके बाद कैनोलिव मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर 5 पाउच हैं 1 लीटर वाले, और प्राइस मैंने मेंशन कर दी है। इसी तरह फिर ये वैसलीन ली है मैंने अपनी मदर के लिए, ये मैंने लिए हैं खुद अपने खाने के लिए, और कभी कभी दिल चाहता है तो मैं ये लेके खाती हूँ। इसके बाद मैं हिमालयन सॉल्ट मैंने लिया है। अब मैं अपने शैम्पू वाले सेक्शन में आ गई हूँ, और मुझे अपने शैम्पू मिल गया है जो मुझे चाहिए था, ये है पेंटीन शैम्पू, और उसके वो भी मैंने अपनी ट्रॉली में डाल दिया है। लिप्टन लिया है मैंने नेक्स्ट 490 रुपीज़ का मुझे मिला है, और मेरा फेवरेट जो है मेडिकेम डेंटल क्रीम वो मैंने ली है। फिर मैं ब्यूटी सेक्शन में चली गई तो मैंने ये नया फेस वॉश लिया है, और साथ ही मैंने फेशियल टॉनिक भी लिया है विद विटामिन सी। तो अब आप ऑल पर मैं मेंशन करना भूल गई थी, तो अब ये देखिए मेरी ट्रॉली फुल है, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं ले चुकी हूँ, और अब ये मेरी वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, और अब मैं वापस घर जा रही हूँ, और घर पहुँच के मैंने सारा सामान घर से गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। जी तो मेरी वापसी हो गई है, ये सबसे पहले मैंने एक कप चाय बनाया है वो पिया है, ये मेरा सामान है, और जो है ना अब ये मैं एक थोड़ी देर के लिए यहाँ रखती हूँ, और ये मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ जो पंजाब कैश एंड कैरी से मैं लेकर आई हूँ, ये उनकी लिस्ट है। अब तमाम चीज़ों को कंपेयर करके बताना तो बहुत टाइम टेकिंग है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे आपको कुछ 2-4 चीज़ों का मैं कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि मतलब क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं ऑलपर का बताती हूँ कि ऑलपर मैं पूरा कार्टन लेकर आई हूँ ऑलपर मिल्क का, और ऑलपर मिल्क जो है ये देखिए उसमें 27 पीस का पाओ वाले जो होता है क्वार्टर जो होता है ना वो मैं लेकर आई हूँ, और वो मुझे मिला है 1109 रुपीज़ का, और जबकि बाहर से मैं ये 1180 का लेती रही हूँ, ठीक है, जो मैंने सबसे कम अभी तक लिया था ना 1180, तो आप देखें 80 रुपीज़ का डिफरेंस ऑलपर में आ गया। उसके बाद कैनोलिव ऑयल जो है यहाँ से मिला है 1923 का, जबकि मैं पहले जो लेती रही हूँ वो 2175, ऑलमोस्ट 250 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चने की दाल, यहाँ से मुझे 170 रुपीज़ की पर केजी मिली है, जबकि बाहर से जो मैं लेती रही हूँ ये 200 रुपीज़ पर केजी लेती रही हूँ, तो 30 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। फिर आ जाती है माश की दाल, माश की दाल जो है वो मैंने 260 रुपीज़ पर केजी ली है, जबकि बाहर से 290 रुपीज़ पर केजी ली है, तो यानी कि 30 रुपीज़ का यहाँ डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह बाकी चीज़ों में भी डिफरेंस है, लेकिन हर चीज़ को कंपेयर करके अब बहुत लंबा हो जाएगा। तो और वैसे भी मैंने प्राइसेस जो है ना वो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन भी कर दी है हर चीज़ किस प्राइस में मिली है,
तो आप जहाँ से ग्रोसरी करते हो आप उसके साथ कंपेयर करके देखो जो प्राइसेस मैंने बताई हैं पंजाब कैश एंड कैरी की अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट मैंने आपको बताई है, तो आप उसको कंपेयर करो और देखो कि आप जहाँ से लेते हो वो आपको कितने की चीज़ देता है, पंजाब कितने की देता है, तो उस हिसाब से फिर आप अपना वरना ग्रोसरी स्टोर चेंज कर सकते हो। अच्छा मैं खुद भी ये बिलीव करती थी पहले, जैसे कि आप लोग भी मुझे लगता है कि ऐसे ही सोचते होंगे कि जो जो फैक्ट्री की चीज़ है उसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, एक दो रुपए का डिफरेंस करते होंगे, लेकिन पंजाब कैश एंड कैरी से जब मैंने लिया है तो प्राइसेस का जो डिफरेंस है तो उससे मुझे ये समझ आई कि एक्चुअली होता ये है कि कुछ शॉप्स जो होती है ना वो अपने जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते हैं और वो जो प्रॉफिट मार्जिन कम करते हैं वो बेनिफिट अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। अब दे मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।